जो प्रोडक्ट हमने कार्ट में ऐड कर दिया है उसको हमें यहाँ पर दिखाना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है उस तरह से, ठीक। तो ये बटन हमको अब हाइड करना है और कुछ और यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो नाउ इस केस में हमको क्या करना होता है कि हमारा जो पेज है, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करेंगे। VS कोड में ओपन करूँगा मैं, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमको ये जो बटन हमने यहाँ पर शो की हुई है फॉर्म के अंदर, ये सबमिट बटन, ये है ऐड टू कार्ट का, तो इसको हमें हाइड करना है। लेकिन यहाँ पे हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा कुछ, कि ये वाला जो प्रोडक्ट है जिस पे हम इटरेट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स का लिस्ट है और ये प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट पे जो हमको अभी प्रोडक्ट मिला हुआ है जिसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं कार्ड में, तो हमको यहाँ पर एक लॉजिक यहाँ पर कुछ इस तरह का लगाना होगा, क्या ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है? अगर हो चुका है तो कुछ और करना है। ओके, सो वो कंडीशन जो है थोड़ा सा, ये जो लॉजिक है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पर एचटीएमएल में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लेकिन हमको वो चाहिए है लॉजिक, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फिल्टर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, कैसे फिल्टर्स क्रिएट करते हैं वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास एक कार्ट ऑब्जेक्ट है, इस कार्ट ऑब्जेक्ट में एक लिस्ट है, यहाँ पर जिसमें प्रोडक्ट्स हैं सारे। अब मुझे ये प्रोडक्ट चेक करना क्या ये लिस्ट में है, तो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तो मैं इस एचटीएमएल में यहाँ पर सारा कोड नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैं एक नया पाइथन फाइल बनाऊंगा। उस पाइथन फाइल में एक फंक्शन बनाएंगे और ये प्रोडक्ट और ये कार्ट ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को पास करेंगे, फंक्शन हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है तो कुछ और कर लो, नहीं है तो ये करो। तो इस तरह से ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट होगा ये पाइथन फाइल में होगा, लेकिन हम इसको कॉल करेंगे अपने एचटीएमएल से, तो इसको हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं फिल्टर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिल्टर। अगर मैं जेंगो का जो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, तो आप चलिए डॉक्यूमेंटेशन पे एंड देन यहाँ पर आप सर्च कीजिए फिल्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स, तो बिल्ट इन टैग्स एंड फिल्टर्स। तो ये क्या करते हैं फिल्टर्स, ये हम इसको एचटीएमएल में यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, जैसे ये है, तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ एक फिल्टर कोई भी, तो यहाँ पर मैंने फिल्टर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखोगे फिल्टर, तो ये क्या कर रहा है, मैसेज है, ये कोई वेरिएबल है, इसमें मैंने फिल्टर यूज़ किया, पाइप का यूज़ किया, पाइप के बाद मैंने लिखा लेंथ, तो लेंथ कोई फंक्शन होगा और वो फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे काम करता है। ओके ओके, सो ये एक वर्ड रैप है, ये एक फिल्टर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या किया, जो वैल्यू है हम उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक फिल्टर अप्लाई किया वर्ड रैप, ये क्या है, एक फंक्शन है, इस फंक्शन में एक हमने वैल्यू पास की 5 और ये फंक्शन रन होगा, इसको ये वैल्यू भी मिलेगी, तो ये क्या करेगा, वर्ड को रैप कर देगा। तो इस तरह से ये जो इंटरनली कॉल होगा, तो ये फिल्टर जो हम खुद क्रिएट करेंगे। फिल्टर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। सो जब ये वीडियो जब खत्म होगा तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे ये फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। सो वापस आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर, क्लिक करना आपको, और यहाँ पर हमको यूज़ करना है कस्टम फिल्टर का, ठीक है। तो ये टेम्पलेट में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कस्टम फिल्टर्स, कस्टम टैग्स एंड फिल्टर, ठीक है, तो उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे हम फिल्टर को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है टेम्पलेट टैग्स नाम का, इसके अंदर हम सारे जो फिल्टर्स हैं वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो टेम्पलेट टैग्स क्रिएट करेंगे, तो पाईचार्म में आता हूँ, मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट टैग्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया है, स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए। ओके, देन इसके अंदर एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर फंक्शन होगा जो कि हम कॉल करेंगे टेम्पलेट से। तो यहाँ पर इन्होंने किया है पोल एक्स्ट्रास डॉट पाई, तो मैं इसको अपना फाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा, मैंने कहा न्यू एंड देन हमने यहाँ पर कहा पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का नाम मैं क्या रखता हूँ, तो आप अपने मन से जो भी रखना चाहते हैं जो कि समझ में आना चाहिए इस तरीके से। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कार्ट रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रखना चाहता हूँ उस फाइल में, तो मैंने इसको कहा कार्ट डॉट पाई, ठीक है। तो इस तरह से जो एक फिल्टर है इसके अंदर हम सारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे जो कि कॉल होंगे एचटीएमएल से। तो इसके अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करना है वो देख लेते हैं। तो आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर और आप देखेंगे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है जेंगो इंपोर्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट का एक लाइब्रेरी मेथड कॉल करना है और ये हमको रिटर्न करेगा एक रजिस्टर जो कि एक डेकोरेटर है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमने कहा फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट टेम्पलेट। ओके, सो हमने टेम्पलेट को इंपोर्ट किया। नाउ यहाँ पर हमको रजिस्टर जो डेकोरेटर वो चाहिए, तो हमने यहाँ पर कहा रजिस्टर, ये डेकोरेटर ये कहाँ से मिलेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर कहा टेम्पलेट, टेम्पलेट डॉट लाइब्रेरी। ओके, ये मुझे इससे मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे रजिस्टर मिल चुका है। नाउ ये डेकोरेटर इसका यूज़ कैसे करना, तो एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमको बताएगा कि जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में है कि नहीं, तो मैं उसका नाम इस तरह से यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन अ फंक्शन इज़ अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर कार्ट, तो मैंने इसका नाम कहा इज़ इन कार्ट,
इसका मतलब है कि हम इसको प्रोडक्ट पास करेंगे और ये बताएगा कि ये कार्ट में है कि नहीं, तो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट पास करना है, एक वैल्यू मिलेगी मुझे, वो वैल्यू कैसे मिलेगी अभी हम देखेंगे इसको। ओके सो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ इस प्रोडक्ट में आपको लॉजिक लिखना है कार्ट में है या नहीं वो प्रोडक्ट इसके लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वो कार्ट का रेफरेंस नहीं है, तो वो कार्ट कहाँ से आएगा? तो मैं कार्ट जो है यहाँ पर पास करूँगा। ओके सो यहाँ पर मुझे कार्ट भी मिल जाएगा। नाउ कार्ट क्या है? कार्ट में की वैल्यू पेयर है, कार्ट एक डिक्शनरी होगी, कार्ट में एज अ की प्रोडक्ट होगा और कार्ट में क्वांटिटी होगी। ओके सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है जो कार्ट में जो कीज़ हैं उनमें आईडीज़ हैं प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट की आईडी क्या इस प्रोडक्ट से मैच होती है, ये मुझे यहाँ पे पता करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा जो कार्ट है वो डिक्शनरी है, मैंने कहा कीज़, इससे मुझे सारी कीज़ मिल जाएंगी। ओके नाउ ये जो कीज़ हैं वो डिक्ट कीज़ होती हैं, अगर आप प्रिंट करेंगे मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कहा कीज़ इक्वल, तो मैं इसको आप प्रिंट करूँ, मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट और मैंने कहा कीज़। ओके ओके तो अभी मैं लॉजिक पे ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट रिटर्न किया ट्रू। नाउ मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न ट्रू, मैंने कहा सारे प्रोडक्ट अभी कार्ट में हैं, बाद में हम देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी हम केवल फिल्टर क्रिएट कर लेते हैं, देन हम यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। सो ये किया। नाउ ये जो रजिस्टर है ये एक डेकोरेटर है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इससे पता चलेगा कि जो फंक्शन है ये एक फिल्टर है। तो मैंने यहाँ पर कहा एट द रेट रजिस्टर, एंड देन हमने यहाँ पर कहा डॉट फिल्टर, फिल्टर को कॉल करना है। यहाँ पर आपको नेम पास करना है कि इसको आप किस नेम से टेम्पलेट में यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पर पास किया नेम इक्वल इज़ इन कार्ट, तो मैं इसको सेम नेम से यहाँ पर कॉल करना चाहता हूँ, मैंने कहा इज़ इन अंडरस्कोर कार्ट। परफेक्ट। नाउ जैसे ही मैं टेम्पलेट में ये यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। नाउ हमने ये रजिस्टर कर दिया इसके साथ, अब मुझे क्या करना है कि इसे लोड करना है टेम्पलेट में। तो टेम्पलेट में लोड कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को देखिए, यहाँ पर लोड ओल एक्स्ट्राज, इस तरह से हमें इसको लोड करना है। तो कहाँ पे मुझे यूज़ करना है इसे, इंडेक्स पेज में। तो वापस आएंगे इंडेक्स पेज में और टॉप पे हमें इसे लोड करना है। तो हमने यहाँ पर कहा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज परसेंटेज साइन, ये लैंग्वेज टेम्पलेट की, हमने यहाँ पर कहा लोड। तो लोड में आपको जस्ट फाइल का नाम पास करना है, ओके, बिना ब्रैकेट के पास करना है, जैसे इन्होंने किया हुआ है ओल अंडरस्कोर एक्स्ट्राज। मेरे फाइल का नाम है कार्ट डॉट पाई, तो मैं जस्ट यहाँ पर कार्ट यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा, ठीक है ना। उसको सेव करेंगे एंड देन मुझे कहाँ पर यूज़ करना है वो हम देखेंगे। सो जैसे कि ये आप देखेंगे यहाँ पर एक कार्ट है, सिंगल कार्ट। तो अगर मैं इसको जस्ट यहाँ पे जस्ट प्रिंट करूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में है या नहीं, ठीक है, तो क्योंकि मैंने वहाँ से ट्रू रिटर्न किया तो मुझे यहाँ पर हमेशा ट्रू प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पास किया, ये जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है वो पास किया। नाउ पाइप यूज़ करेंगे, पाइप साइन का, ये पाइप है, एंड देन फिल्टर का नाम आपको पास करना। तो मैंने कहा इज़ अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर कार्ट। इससे क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये इज़ इन कार्ट, जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये जो प्रोडक्ट है वो उसकी टैग बॉडी में पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर, जैसे ये फंक्शन है, तो जैसे ही मैंने उसको अप्लाई किया जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट है ये हमको वहाँ पर मिलेगा। ओके नाउ ये कार्ट क्या है, तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ हमने इसको रिमूव किया, डन। तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर पास होगा और मैं जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जस्ट सी। ओके तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये मेथड कॉल होता है कि नहीं इंटरनली। हम सेव करेंगे एंड देन एप्लीकेशन पे वापस आएंगे। ओके एप्लीकेशन में आएंगे और देन हमने इसको कहा रीलोड। ओके सो यहाँ पर एक एरर आया हुआ है कि कार्ट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है भाई, टैग लाइब्रेरी। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली एप्लीकेशन को रीलोड करना है। एक बार कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, सी एल एस, एंड देन हमने यहाँ पर कहा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, देन हमने यहाँ पर कहा रन सर्वर। तो एक बार आपको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ ट्राई करेंगे एक बार और, हमने पेज को रीलोड किया तो यहाँ पर सक्सेसफुली चल रहा है, आप देखोगे यहाँ पर ट्रू यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके सो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो फिल्टर अप्लाई किया और वो जो फंक्शन है वो इंटरनली कॉल हुआ। पाइचाम ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, सारे प्रोडक्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं, ये इस मेथड में प्रिंट हो रहे हैं। नाउ यहाँ से मैं जो भी रिटर्न करूँगा ट्रू या फिर फॉल्स, तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स प्रिंट होगा। नाउ इस ट्रू फॉल्स के बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ और रेंडर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्ट है वो वैल्यू हम यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट में पास हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे वो जो कार्ट है सेशन में जो मैंने कार्ट सेव किया वो भी मुझे चाहिए, तभी मैं उस कार्ट की जो बेसिस पे यहाँ पर पता करूँगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे सिंपली यहाँ पे कोलन यूज़ करना है एंड देन यहाँ पे कार्ट पास करना है। तो कार्ट कहाँ पे है, सेशन में है, तो मैं जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक्सेसिबल होता है। तो मैंने यहाँ पर कहा request.session. हमने यहाँ पर कहा कार्ट, तो उससे मुझे कार्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सेव करेंगे देन कार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्सेस करना, तो यहाँ पर एक और पैरामीटर क्रिएट करेंगे, हमने कहा कार्ट, देन हमने यहाँ पर कॉमा कार्ट को भी प्रिंट किया। सेव करते हैं एप्लीकेशन को एंड देन रीलोड करेंगे।
तो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्पेस ऐड किया है उसको आप रिमूव कीजिए, स्पेस नहीं होना चाहिए इसके बीच में, इस तरह से लिखना है आपको। नाउ सेव करेंगे, एप्लीकेशन को रिलोड करेंगे तो जो एरर है वो यहाँ से दूर हो जाएगी। पाइचम ओपन करेंगे, कार्ड प्रिंट हुआ कि नहीं ये देखेंगे आप यहाँ पर। तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आप देखो ये तो प्रोडक्ट प्रिंट हुआ एंड देन कार्ड भी यहाँ पे प्रिंट हुआ, दोनों चीज़ें हमको मिल गई। नाउ इसके बेसिस पे हम पता करेंगे ये जो प्रोडक्ट है इस कार्ड में है कि नहीं, ठीक है। तो वापस आते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पर हमको अब लॉजिक लिखना है कि कार्ड में है कि नहीं उसके लिए। तो मुझे ट्रू कब रिटर्न करना है जब ये प्रोडक्ट इस कार्ड में है। तो ये कार्ड क्या है, एक डिक्शनरी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इससे मुझे कीज़ मिल जाएंगी। नाउ मैं इस कीज़ में इटरेट करूँगा और पता करूँगा कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो की की जो आईडी है उसके बराबर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर कहा फॉर आईडी इन कीज़, ओके। नाउ यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैंने कहा इफ़ इफ़ आई डी इक्वल इक्वल, हमने यहाँ पर कहा प्रोडक्ट डॉट आई डी, ओके, इस तरह से। नाउ अगर ये किसी इक्वल है इसका मतलब है रिटर्न ट्रू, क्योंकि ये कार्ट में है तो हमने यहाँ पर कहा रिटर्न ट्रू। अगर इटरेट पूरा हमने कर लिया और लास्ट तक हमको प्रोडक्ट नहीं मिला तो मुझे करना है रिटर्न फॉल्स, इस तरह से। ओके, नाउ मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यानी स्टेटमेंट भी रिमूव कर देते हैं, सेव करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर ये ट्रू हो गया तो हमने यहाँ से रिटर्न ट्रू किया, मतलब कि प्रोडक्ट कार्ट में है। अगर पूरा लूप चल गया और हमको ट्रू रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में हमको फॉल्स रिटर्न करना, मतलब कि कार्ट में नहीं है। नाउ सेव करेंगे, एप्लीकेशन में वापस आएंगे, उसको रिलोड करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ फॉल्स फॉल्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो फॉल्स क्यों प्रिंट हो रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट किया आईडी कॉमा, मैंने प्रोडक्ट का जो आईडी है प्रोडक्ट डॉट आईडी, इसको भी यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने इसको भी प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा बहुत लॉजिक है जिसके कारण यहाँ पर जो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, वैल्यू सेम आएंगे लेकिन फॉल्स आएगा इसे, इसलिए क्योंकि हम इसका एक बार यहाँ पर टाइप चेक करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा टाइप टाइप ऑफ आईडी एंड देन हम इसका भी टाइप चेक करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा टाइप ऑफ प्रोडक्ट आईडी। नाउ सेव किया इसको एंड देन इसको रिलोड किया, पाईचार्म में वापस आएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जो फर्स्ट वाला जो है वो स्ट्रिंग है एंड जो सेकेंड है वो इंट है, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, ओके। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो आईडी है ये स्ट्रिंग है, इसे मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये जो लाइन्स है इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नाउ ये जो स्ट्रिंग था इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हमने कहा इंट, और जो स्ट्रिंग है उसको हम इंट में कन्वर्ट किया एंड देन इसका हम इक्वलिटी टेस्ट करेंगे। ना ही परफेक्टली वर्क करेगा, ना पेज को रिलोड किया। तो यहाँ पर आपने देखा ये ट्रू आया, ट्रू आया मतलब कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड है, ये वाला भी ऐड है, ये वाला भी ऐड है। नाउ आगे आते हैं, ये भी ऐड है, ओके। सो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो फॉल्स आ रहा है सेकेंड रो में मैं इसको करता हूँ ऐड, मैंने कहा ऐड टू कार्ट। तो अब आप देखोगे कि ये इसमें आया ट्रू, क्योंकि ये भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको भी कर देता हूँ, इसका 560 प्राइस है जिसका, तो ये 560 प्राइस का ये भी आ गया ट्रू, ओके। सो नाउ अब ये भी ट्रू हो गया। तो नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर ट्रू है ये तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पर एक हमको आइटम क्रिएट करना, कंपोनेंट कुछ इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस का इस तरह से कुछ साइन होगा, और यहाँ पे वन इन कार्ट टू इन कार्ट ये दिखाएंगे, उसमें ये वाला बटन यहाँ से हाइड कर देंगे, ओके। सो देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है। जो फिल्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इससे आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है, ओके। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन हम जब नेक्स्ट टाइम आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, फंक्शन क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है एंड देन उसको कॉल करना है, और जो भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक था आप उसको यहां पर लिख सकते हैं। ट्रू फॉल्स की जगह आप कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जैसे अभी आप, मैं बताऊंगा यहां पर कि जो हम देखेंगे यहां पर क्वांटिटी हमको रिप्रेजेंट करनी है कि वन इन कार्ट, तो मैं जो वन रिटर्न करूंगा वो ऐसे ही फंक्शन बनाऊंगा और वहां से उसको रिटर्न करूंगा, ओके।